अगस्त्य को जगाने के लिए मुझे थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा। काम उसे जल्दी उठना पसंद नहीं है। अरे वो क्या है? ओ, 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 ए! मोटो, हम कहाँ आ गए? हम अभी भी उड़ रहे हैं क्या? पतलू जा, कहीं स्वर्ग तो नहीं पहुंच गए? यकीन नहीं हो रहा है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे तो ये स्वर्ग नहीं है, पर मैं समझता हूँ तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तुम कहाँ हो? हाँ वही हूँ, और कौन? तुम्हारा मतलब हम जंगल में हैं? तुम इसे पहचानते नहीं हो? सुनो, मेरे बेचारे दोस्त, इन्हें कुछ याद नहीं, हम सब यहाँ रहते थे। हम यहाँ कैसे पहुँच गए? हम तो ईगल के साथ जा रहे थे। सपना था शायद। तब तो तुम्हें जगाना होगा। हम जंगल में हैं, ये कैसे संभव है? शायद ये सपना ही है। रुको थोड़ा, क्या हुआ? फिर से याद करने की कोशिश करता हूँ। ये लो। ये क्या हो रहा है मोटो? अब ठीक है, सब जग गए। अरे तुम कहाँ जा रहे लुटेरो? बलू, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, 2 साल हो गए। तुम लोग काफी थक गए होगे, है ना? लेकिन हम तो सिम्बा से मिलने जा रहे थे ना। ये किलिमंजारो नहीं है, तुम लोग जंगल में हो। जंगल में? चारों तरफ देखो, क्या इस जगह को तुम पहचानते नहीं हो? हम लोग सच में जंगल में हैं। ओहो, वो तो ठीक है, पर हम यहाँ पहुँचे कैसे? हम तो ईगल किंग यहाँ कहाँ है? कहाँ कहाँ लगता है जमकर शायद खाने को मिल रहा आजकल। मधुमक्खियों के डंग गिनता हूँ मैं। अच्छा, कमाल है, एक भी नहीं। मधुमक्खियों से मेरी दोस्ती हो गई, इसलिए अब वो मुझे काटती नहीं है। तब तो तुम्हारी चिंता खत्म। तो है। तुम दोनों की नजर बहुत तेज है, फिर भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम सब यहाँ रहने आए हो? चोरी पकड़ी गई बल्लू। नहीं बल्लू, हम तो सिम्बा के पास लौट रहे थे, पता नहीं यहाँ कैसे पहुँच गए। हमें पता ही नहीं हो क्या रहा। हम आसमान से टपक पड़े। ये जरूर किसी जादू से हुआ होगा, पर हमें ठीक से नहीं पता। तुम हमें विस्तार से क्यों नहीं बताते कि तुम्हारे साथ दरअसल हुआ क्या था? तुम विश्वास नहीं करोगे, जब मैं बकशॉट के पास था तो पतलू और मोटू अचानक वहाँ पहुँच गए। तो फिर एमराल्ड फॉरेस्ट में आने के कितने दिन बाद तुम्हें ईगल किंग मिले? हमें नहीं पता, हम पहुँचे ही थे, ये अजीब था। पहले ईगल किंग को अपनी बात खत्म करने दो, जरूर कुछ न कुछ बात निकलेगी। हाँ तो मैं और ये दोनों जब घर लौट रहे थे, अचानक एक बड़ा तूफान आ गया, हवा की वजह से दोनों फिसल गए। पर जैसे ही मैंने इन्हें पकड़ा, तेज रोशनी चमकी। मुझे अपने मोटू पतलू को देखना है, दोनों कहाँ हैं? जैसे दादी शैनन को दिखाते हो, मुझे भी दिखाओ। मुझे मोटू पतलू को ढूंढना है, मुझे दिखाओ। महान आत्मा, शाबाश लियूस, मेरे ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, होगा तुमसे, कोशिश करो। हाँ तुमसे होगा, बस हार मत मानो। जरा तुम मोटू और पतलू के बारे में सोचो, बेचारे कहाँ भटक रहे होंगे। कोशिश करो, कोशिश करो लियूस, ध्यान लगाओ, ठीक है? महान आत्मा, जादुई ताकतों, मुझे बताओ, सब कुछ दिखाओ। मुझे मोटू पतलू को ढूंढना है, मुझे दिखाओ वो कहाँ है, मुझे दिखाओ हमारे लुटेरे दोस्त।
बैम्बीना और किम्बो मुसीबत में हैं। अपने बराबर वालों से जाकर क्यों नहीं भिड़ते हो? लगता है तुम मानोगे नहीं, तुम्हें आखिर सबक सिखाने ही पड़ेगा। ये लो। तुम दोनों ठीक हो? बच्चा मरते मरते बचा आज। मुझे लगा था बक्शट वहाँ नहीं होगा। शैतान कुत्ते अपने जंगल के दोस्तों को देखकर पता लगाते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अरे ये दोनों लुटेरे वहाँ कैसे पहुँच गए? मेरे दोनों लुटेरे दोस्त कहाँ गए? मुझे दिखाओ ना, दिखा दो कि जो शक्ति मुझे दादीशाह ने दी है वो सच है। पोटो पत्तू को सामने लो। तुम बहुत जल्दी हार मान जाती हो ल्यूश, ऐसा मत करो, कोशिश करो। लगता है पर मैं थक गई। तुम्हें यकीन है कि तुम बिल्कुल वैसे कर रही हो जैसे शैनन ने सिखाया था? लगता तो है, पर ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ भूल गई हूँ। विनर हाँ याद आया, वो ऐसे पंजे को उठाती थी ऊपर और ध्यान लगाती थी और बोलती थी बदा 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 बदा। मुझे देखो, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, है ना? इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, तुम्हारे पास जादू है क्योंकि शैनन ने तुम्हें शक्तियाँ दी थी। उसे इस्तेमाल करने के लिए मैं छोटी हूँ विनर। उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, बस तुम कोशिश नहीं करना चाहती। कुछ कामयाबी मिली? अभी उस ध्यान नहीं दे पा रही है। ऐसा होता है, ये छोटी है अभी। कोशिश तो की पिताजी, पर मुझे कुछ भी नहीं दिखता। लियूस तुम्हें धीरज रखना होगा, तभी जादू हो पाएगा। और ये तुम भी याद रखो विनर, मैं जानता हूँ ये छोटी है पर कोशिश करनी होगी। बढ़िया, पर जरूरत से ज्यादा मत करना, ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है लियूस, फिर से कोशिश करते हैं, शैनन की तरह ध्यान लगाओ। मैं ध्यान लगा रही हूँ। हाँ, मोटू और पतलू के अलावा कुछ और मत सोचना। सामने आओ डरपोक। राजकुमार फिर से शुरू हो गए, वो अपनी सितारों की शक्ति चट्टानों पर फिर से आजमा रहे हैं। कोई जख्मी जरूर होगा। चलो चलो भागो। सामने आओ कायर। बच निकले, अब नहीं बचोगे। सेनापति, मैं आराम करने की सोच रहा था, आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे? नहीं, राजकाज की कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। एक समस्या आ गई है, माफ करना महामहिम, मुझे सेनापति से जरूरी बात करनी है। क्या बात है? बात ये है श्रीमान। कोई समस्या? नहीं श्रीमान, छोटी सी समस्या है, मेरा जाना जरूरी है, बस यूं गया और यूं आया। माफ करना सैनिक। जनाब, इस जवान की जान बचाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। बस ठीक है, ठीक है। अच्छी वाचू।
ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत हिम्मती बच्चा है, पर उसे थोड़ा संयम सीखना पड़ेगा। वो उम्र के साथ ही होगा, वो पत्थर तोड़ रहा है ना? जी श्रीमान, लेकिन महामहिम वो पत्थर किसी को जख्मी भी कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं ना? सही कहा सेनापति, अगर वो लड़ाइयाँ जीतने के लिए सिर्फ जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करेगा तो कभी असली राजा नहीं बन पाएगा। बिल्कुल सही कहा महामहिम, सच्चा विजेता हमेशा दिमाग से लड़ता है, जादुई ताकतों से नहीं। विश्राम। उठ जाओ बेटा, अगर तुम्हारा इरादा दुश्मनों को हराने का है तो तुम्हें शक्तियाँ और बढ़ानी पड़ेगी। आप गलत हैं, मैंने आज इन लोगों को 10वीं बार हराया। वही तो समझा रहा हूँ जूनियर, तुम्हें उसे पहली बार में ही खत्म करना होगा, नहीं तो लड़ाई वो जीत जाएगा। आज से तुम जादुई ताकत तभी इस्तेमाल करोगे जब मैं कहूँगा। मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल करना सिखाऊंगा ताकि किसी को चोट ना लगे, साथ ही तुम्हें इसके सारे नियम भी बताऊंगा। ठीक है लियूस, पर ये आखिरी बार है, इसके बाद रोक देना। हाँ विनर, कोशिश करते हैं। मैं अपने दोस्त मोटू और पतलू को देखना चाहती हूँ। मुझे दिखाओ उन्हें, मुझे लुटेरों को अभी देखना है। कोशिश करती रहो लियूस, हर मत मानना, लुटेरों पर ध्यान लगाओ, कोशिश करो। रैटिस 2 हूँ, इतनी महान ताकत ने मुझे बुलाया, इससे मैं सम्मानित हुआ। तुम एक राजकुमारी हो। हाँ मैं वही हूँ, पर अपने दोस्त मोटू पतलू को ढूंढ रही। लुटेरों को? हाँ। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। माफ करना, क्या हम पहले मिले हैं? तुम बहुत पहचाने से लगते हो। मैं ही इस सुनहरे पदक का रखवाला हूँ। सुनहरे पदक का? सही कहा, पदक पर तुम्हारी तस्वीर भी है, पदक का राज जानते हो? हाँ बिल्कुल, और मैं इतने सालों तक वो किसी को बताने के लिए इंतजार करता रहा। मैं पदक के राज तुम्हें बता रहा हूँ, और तुम वो राज अपने दोस्तों मोटू पतलू को बता देना। तुम मिस्र से आए हो? तुम पिरामिड में रहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, हजारों सालों से रह रहा हूँ। हजारों साल? हाँ? हाँ? तो अलविदा मेरे बच्चों। ईगल की पीठ पर बैठने से नीचे दिखने वाली तूफान से पहले मजा आ रहा था। तूफान इतना तेज था कि हम पीठ पर टिकी नहीं पाए और नीचे गिरने लगे। नीचे गिरने से पहले ईगल ने हमें दोबारा पकड़ लिया, फिर रोशनी बड़ी जोर से चमकी और होश आया तो हमने खुद को तुमसे बातें करते हुए पाया। रोशनी बिजली चमकने की होगी? नहीं बिजली नहीं थी, वही रोशनी थी जो हमें एमराल्ड जंगल में ले गई थी। बकशॉट को लगता है कि इसमें हमारे पदक का हाथ है। मुझे लगता है तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, उदास हो, अकेले हो। अरे भाई हम इतने सालों बाद मिले हैं तो उदास क्यों होना है, चलो सब मिलके कुछ जश्न मनाते हैं, क्या कहते हो? अपने जंगल का गाना गाएं तो कैसा रहेगा, चलो सब धमाल मचाते हैं। इस गीत ने मेरी पुरानी यादें ताजा कर दी, मेरा पसंदीदा गीत है। ये लोग जश्न किस बात का मना रहे हैं? चलो देखें। अरे ये क्या, ये तो मोटू पतलू है। सारे दोस्त यहाँ हैं ना? हाँ, स्वागत है लुटेरों। कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। कैसे हो तुम? लगता है लुटेरे सिम्बा के बारे में भूल गए, जो इनकी फिक्र के बारे में परेशान हुए हैं। लुटेरे आखिर कहाँ चले गए? सिम्बा, सुना आपने? लियूस जानती है कि मोटू और पतलू कैसे गायब हुए? सच में? आखिर उसे दिखने लगा? तो तुम्हें दिखने लगा? मुझे तुम पे गर्व है। पिताजी, मैंने कहा मुझे मालूम है, मुझे गर्व है तुम पे। बताओ लुटेरों को वापस कैसे लाएं?
हम नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है। पर तरीका तो जानती हो। लेकिन मोटू और पतलू को तो नहीं पता। किस बारे में बात कर रही हो लियोस? उन्हें कहीं भी जाने के लिए उस पदक पे बनी हुई नाक दबानी पड़ती है। पहले उन्हें उस जगह के बारे में सोचना होगा जहाँ उन्हें जाना है, और फिर नाक दबानी होगी। और ये काम सिर्फ और सिर्फ वही दोनों कर सकते हैं। हमें किसी भी तरीके से उन्हें ये बात बतानी होगी। तो बताओ ये कैसे करें? जरा रुको, मेरी बात सुनो। इसमें हमारी मदद आर्बर कर सकता है। हाँ, आर्बर, वो हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहता है। तो चलो हम सब उसे तालाब के रास्ते से बुलाते हैं। बोलो दोस्तों, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? आने के लिए शुक्रिया। एक मुसीबत आ गई, मोटू और पतलू गायब हो गए। घबराओ मत, मैंने सुना है कि वो जंगल में तुम्हारे पुराने दोस्तों के साथ। सुनो अर्बर, मैं हूँ विनर, और हम चाहते हैं कि तुम उन दोनों को पदक का राज बताओ। वही जो उन्हें मिस्र में मिले थे। हाँ, हमें पदक का राज पता है, लुटेरे नहीं जानते। सुनो अर्बर, मैं लियोस हूँ। आज राक्षस चू ने मुझे बताया कि पदक पर बनी तस्वीर की नाक दबाने से मोटू और पतलू कहीं भी आ जा सकते हैं। ओ, समझा। वो लोग उसी तरह से जंगल में पहुँचे, उनसे गलती से बटन दब गया। आर्बर, लूसी को देखकर मुझे तुम्हारी चाची शैनन की ताकत महसूस होती है। विनर। हाँ आर्बर। मैं मेडल का राज उन्हें बता दूंगा, फिक्र मत करो। शुक्रिया। और राजकुमारी लूसी, तुम एक दिन तुम शैनन जितनी समझदार और ताकतवर हो जाओगी। तो अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं। तो बक्शॉट की शादी हो गई और बच्चा भी है। हाँ, बहुत ही प्यारा बच्चा बस है। अपनी माँ के पीछे पीछे घूमता रहता है। मैं उसे देखना चाहूँगा। मेरा भी सिम्बा और बक्शॉट याद आते हैं। अरे ऊपर कौन है भाई? कोई समस्या है क्या? सिम्बा परेशान है और तुम मजे उड़ा रहे हो। उसने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। क्या संदेश है? क्या वो मुसीबत में है? ये बताओ अरबर, सिम्बा के उसका बेटा जूनियर देखने में बिल्कुल पिता जैसा है और वैसा ही काबिल भी। और उसकी बेटी शेरनी शनन को याद करो। हाँ बिल्कुल, उसके जितनी ताकत मैंने किसी में नहीं देखी। राजकुमारी लूसी को उसकी सारी ताकतें मिली हैं। वही तो है जिसने ये पता लगाया कि मोटू और पतलू आखिर जंगल में कहाँ हैं। हाँ, उसे उस रोशनी का राज पता है। हाँ, और ये भी कि किस जादू से तुम सिम्बा तक पहुँच सकते हो। तो ये जादू था? हमें पता नहीं था, उसे कैसे पता चला? क्योंकि उसकी रेडसेस 2 से बात हुई थी। उसने बताया कि उसकी नाक घुमाने से तुम जहाँ चाहो पहुँच सकते हो। तुम वहाँ पलक झपकते पहुँच जाओगे। अभी मत दबाना, रुको। मुझे यहाँ मत छोड़ना, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ आया था। मुझे भी वापस लौटना है तुम्हारे साथ। हाँ जानता हूँ, पर तुम्हें कैसे लेकर जाएंगे बताओ। ठीक, क्यों ना हम तुम्हारी पीठ पर बैठ जाएं जैसे बैठकर आए थे। चलो जाओ, पर इस बार गिरना नहीं, कस कर पकड़ना। इतनी भी क्या जल्दी हमें छोड़कर जाने की? जरा और रुको ना, हम लोग जल्दी वापस लौटेंगे अगर ये तरकीब काम कर गई तो। उम्मीद है कि आर्बर ने सब ठीक से समझाया होगा। उम्मीद है वो जल्दी पहुंच जाएंगे। कैसे हो? अरे इस खुशी के मौके पर मैं गाना गाना चाहूंगी। मत गाना, तुम सब खराब कर दोगी। ओ महान राजकुमारी, दूर दृष्टि रखने वाली, हमें पदक के राज बताने के लिए आपका धन्यवाद। कैसे हो दोस्तों? बताओ जंगल में बाकी सब लोग कैसे हैं? आप खुद ही चलकर क्यों नहीं देख लेते? मैं नहीं जा सकता, मेरा यहाँ परिवार है। पर महामहिम वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। आ जाओ सब लोग।
बबीरा, मुझे यकीन नहीं होता। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। ओ, कितने प्यारे बच्चे हैं। ये तो खजाना पाने से भी कहीं बेहतर है। बस काश बक्शॉट भी यहाँ होता। लुटेरो, तुम क्या कहते हो? एमराल्ड जंगल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। बस इतना बता दीजिए कि आप कब निकलना चाहते हैं। मुझसे पूछो तो अभी फौरन ले चलो। तो ठीक है दोस्तों, चढ़ जाओ गाड़ी पर। गाड़ी एमराल्ड जा रही है। आखिरकार मोटू और पतलू को उनके पदकों की महान शक्ति का पता चल ही गया। उनकी मदद से वो अपने दोस्तों के साथ लंबी दूरियां पलक झपकते तय कर सकते थे। उनकी शक्ति की वजह से अब सारे जंगल के दोस्त जब चाहें एक दूसरे से मिल सकते हैं। अब ल्यूस, जूनियर और किम्बो एक साथ बड़े हो सकते हैं, जैसे उनके पिता हुए थे।